जो है वार्मर भी है, हॉट एंड कूल, हॉट एंड कूल है। आप इसे जो है कूलर एंड वार्मर के नाम से ही है, आप इसे गर्म कर सकते हैं जबरदस्त, और आप इसमें जो है अपनी कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा कर सकते हैं। वाह, ये बताइए एसी वगैरह चला लेगा, स्प्लिट वगैरह? एक जन का ये स्प्लिट एसी चलाएगा। ये किट है, होम अप्लायंस की एक किट है जी। इसमें देखें जी, एक टॉर्च लाइट है, प्लायर है, हैमर है, ये हर किस्म की जो है ना आपको स्पैनर्स मिलेंगी, कीस मिलेंगी, ठीक है। 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का। और बड़े से बड़े कितने वाला है? आरी सी लग रही है, मतलब आरी से अगर सिंपल वर्ड में बोलूं ये आरी है। नहीं पता कि एडजस्ट किस तरह करना है जी जी टूल को, तो ये सिंपल सेट है। और इसमें हर किस्म का वो होता है, हर किस्म का होता है स्क्रूस, वो गाड़ी के नट बोल्ट वगैरह खोलने के लिए। ये गाड़ी की बैटरी आपकी डेड हो गई है जी जी। आप गाड़ी को सर्व देना चाहते हैं तो ये जंप करके बैटरी के साथ है। ये चार्ज भी होता है? ये चार्ज बिजली के मीटर मीटर है, बिजली वाले 12 वोल्ट वाले। फिर इस तरह आगे देखते जाए, जिस जिस बंदे को जो चीज समझ आती है। कितने सेट का कंप्लीट सेट है? ये 8,000 रुपए का है। ये सारी SS जो है ना, ये इसके ऊपर ये सारे ग्राइंडर्स पड़े हुए हैं, एंगल ग्राइंडर्स हैं। इसमें सेंटर में स्टील है और साइडों पे यहाँ पे आप इसमें सामान रख सकते हैं। टूर के लिए निकलते हैं या फैमिली के साथ निकलते हैं किसी ऐसी जगह पे, ये गाड़ी में रखने वाली चीज है, गाड़ी में रखने वाली। तो ये गाड़ी में टूर बेहतरीन चीज है जी जी। आपको जो है ना इसके लिए कंप्रेसर की जरूरत नहीं पड़ेगी जी जी। आप सिंपल इसको प्लग करें और इसमें जो है ना इसके कैन में पेंट फिल करें, आप इसको दोनों साइड से घूम के आपके चारों टायरों में एयर फिल कर सकते हैं। इनको ब्रांड का कार वॉशर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत। आज हम आए हैं लाहौर में बड़ी स्पेशल सी जगह, यहाँ पे आपको हैंड में हैंड के टूल्स मिलेंगे, मतलब हार्डवेयर, ऐसे ऐसे हार्डवेयर मिलने वाले हैं जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कमाल कमाल की चीज़ें हैं, जो कि लोग कहते हैं ना वो वीडियोज़ वगैरह में देखते हैं, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें और बहुत मज़ेदार मज़ेदार होती है। तो चेली भाई के पास पूछते हैं कि इनके पास किस किस किस्म के टूल्स हैं। इनके पास जनरेटर तक है बड़े बड़े। यार मैंने आज देखा इस तरह टूल के, वो मैंने कहा कि ये मैं ढूंढूंगा या बाहर से मंगवाऊंगा, लेकिन वो भी इनके पास है, मौजूद है। तो चलिए भाई के पास पूछते हैं कि इनके पास क्या क्या अवेलेबल है जी। भाई के पास आ गए हैं तो भाई से पूछते हैं। भाई जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई जान अपना नाम और एड्रेस थोड़ा बता दें जी। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है जी। और हमारी शॉप जो है रेलवे स्टेशन के करीब बरामदा रोड पे चौक ऑस्ट्रेलिया में अल शेख मार्केट जी में मौजूद है। और हमारी शॉप का नाम है उस्मान ब्रदर। जबरदस्त। तो अच्छा भाई, आपके पास ये जो जितना भी सामान है सब होलसेल में मिलता है या क्या सिस्टम होता है? हम होलसेल प्राइस में भी सेल करते हैं और रिटेल में भी करते हैं। और डिलीवरी सिस्टम क्या होगा? डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान में हमने जो है एक सिस्टम बनाया हुआ है। हमारा अपना खुद का एक पेज भी है जी जी। जो गूगल और फेसबुक पे रन है usmanbrother.co के नाम से। ठीक हो गया। तो कहाँ शुरू करवाएंगे आज हमें, क्या आप दिखाएंगे? जी सर, मैं सबसे पहले आपको जो है ना एक स्क्रू ड्राइवर सेट से स्टार्ट करूंगा जी। ये 26 पीसेस स्क्रू ड्राइवर सेट है और ये इनका सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये 26 सेट है और इसमें हर किस्म का वो होता है, हर किस्म का स्क्रू ड्राइवर इसमें मौजूद है। आपको जो है ना एक पैकिंग में सारी चीजें मिलेंगी। लोग कहते हैं कि कुछ के जो है ना वो स्क्रू ड्राइवर मुख्तलिफ होते हैं, स्क्रूज मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ किटें बार बार लेनी पड़ती हैं, लेकिन ये एक ही किट के अंदर तार सभी जो है ना स्क्रू ड्राइवर मौजूद है, जो सारी हर किस्म के स्क्रूज को जो है ना ये खोलेगा भी। ठीक हो गया, जबरदस्त। इसकी क्या प्राइस क्या है सर? इसकी प्राइस 4,000 है। ठीक है। और ये टूटता वगैरह तो नहीं? इस तरह होता है ना, बड़े वो होते हैं कि आप उसको घुमाएंगे तो टूट जाता है? नहीं, ये टूटने वाला नहीं है। अच्छा, इसी में स्क्रू ड्राइवर में अगर पता देखें तो दो किस्म के स्क्रू ड्राइवर होते हैं, एक मैकेनिकल होते हैं और एक इलेक्ट्रिकल। जो मैकेनिकल होते हैं उनको आप हैमर वगैरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनको अगर आप हैमर्स के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये लाइफ टाइम वाली प्रोडक्ट है, ये आपको कभी धोखा नहीं, कभी धोखा नहीं देगा। जबरदस्त। ठीक हो गया भाई, उसके बाद क्या दिखाने वाले? इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि DC 12 वोल्ट एयर कंप्रेसर है। DC 12 वोल्ट एयर कंप्रेसर, ये जो हवा भरने वाला है? ये बिल्कुल, इसकी स्पेक्स इस साइड पे लिखी हुई है, सारी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है। 12 वोल्ट है, 19 mm, पता नहीं क्या 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 क्या। इसको कुछ मैं आपको ओरली बता भी देता हूँ। बता दें, आप लोग जो है ना टूर के लिए निकलते हैं या फैमिली के साथ निकलते हैं किसी ऐसी जगह पे, ये गाड़ी में रखने वाली चीज है, गाड़ी में रखने। तो ये गाड़ी में टूर के अलावा भी आपकी जरूरत पड़ सकती है, 24 घंटे गाड़ी में पड़ी होनी चाहिए। मेरे पास मैनुअल है, वो पैर वाला मैनुअल है, उसमें आपका टाइम स्पेंड होगा। ठीक है, इसमें ये है कि आप बैटरी के साथ अटैच करें या आप अपनी गाड़ी के चार्जर के साथ अटैच करें। ठीक है, चारों टायर में एयर फिल करके कहीं भी पहुंच सकते हैं। ठीक हो गया, जबरदस्त। और इसके बाद मेरे पास एक बड़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है जी जी। इसको हम एयर स्प्रे गन बोलते हैं जी, इलेक्ट्रिक स्प्रे गन जी जी। आजकल जो है ना लोग वो हैसल से भागते हैं और इसमें उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज है जी जी। आपको जो है ना इसके लिए कंप्रेसर की जरूरत नहीं पड़ेगी जी जी। आप सिंपल इसको प्लग करें और इसमें जो है ना इसके कैन में पेंट फिल करें, मेटेलिक पेंट किसी भी किस्म का जी, आप घर में किसी भी किस्म का जो है वो पेंट कर सकते हैं। जबरदस्त। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है।
सर ये 3500 रुपीज़ ओनली 3500 रुपीज़। ठीक हो गया। इसी में थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये कमर्शियल इस्तेमाल होने वाली जो है, ये कमर्शियल है। ये 450 वोल्ट की कमर्शियल है और इसमें भी जो है ना वो सेम वही वोल्टेज सेम उसी स्पेक्स के ऊपर ये काम करेगी। सिंपल प्लग करें और अपना काम स्टार्ट कर दें। ठीक है, ये भी बड़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है। और इसमें ये बताएं कि ये कमर्शियल आप यूज करेंगे, ये गर्म वगैरह तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल गर्म नहीं होती। ये कार जो है कार पेंटर वो मेरे से लेके जाते हैं। अच्छा, कार पेंटर भी लेकर जाते हैं? कार पेंटर लेके जाते हैं और जो है जो घर में मेटालिक पेंट या गेट्स वगैरह पेंट कर रहे हैं। क्या प्राइस है मेरे भाई? सर जी इसकी प्राइस जो है 4500 है। मैंने एक पेंट वाले को बोला, नॉर्मली मार्केट में कितने का मिलता है? सर जी नॉर्मली ये तकरीबन 6000 समथिंग की है। 6000 समथिंग, होलसेल में 4500 का मिलेगा। मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक डेमो देना चाहूंगा। मैंने अपने घर में पेंट करने के लिए मेन गेट पेंट करने के लिए बंदे को बुलाया, उसने मेरे से मांगा 16000 रुपया पेंट करने का। ठीक है, मैंने जो है ये इसमें 4500 रुपए में पूरा घर का पेंट किया है। 4500 रुपए में पूरा गेट, 16000 और 4500 में बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। फिर ये उसके बाद भी मेरे पास इस्तेमाल में रहेगी, दोबारा किसी जरूरत पड़ी तो मैं फिर से इस्तेमाल करूंगा, ये यूजलेस नहीं है। जबरदस्त उसे फिर नीचे आते फिर यहाँ पे ये पंप आता है। डीसी 12 वोल्ट में वही एक, ये भी डीसी है, ये भी डीसी है। ये पावरफुल है, वो पावरफुल है? ये ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, वो कैसे? इसकी इसकी वोल्टेज थोड़ी से ज्यादा है और इसकी थोड़ा मटेरियल थोड़ा हैवी बना हुआ है, टूटेगा नहीं। और ये इसकी प्राइस 4000। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाए मेरे पास। इसके साथ और क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर? मतलब इसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ, आप देखें घर के बच्चे को जरा खोल के दिखाएं, एक को खोल के दिखाएं, क्योंकि उसमें हम चीजें देखेंगे इसमें होता क्या क्या है। बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ आपको ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले कि हाँ कमाल की चीज है, फिर आपसे परचेज करें, जिसमें बुक भी होती है इसकी सारी डिटेल। इसका यूजर मैनुअल है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की नोजल्स हैं, आप टॉयज में वहाँ भर सकते हैं, फुटबॉल में भर सकते हैं, साइकिल में भर सकते हैं, अपनी कार्स में। और ये फ्यूज किस चीज के? ये फ्यूज इसी का होता है, अगर लाइक ये इसकी मोटर जो है ना वो बर्न ना हो जाए। सबसे पहले फ्यूज बर्न होता है, ये फ्यूज लेकर 2 रुपए का नहीं है, फ्यूज चेंज करें आपकी जो है ना प्रोडक्ट दोबारा। ठीक हो गया। और ये कितने मीटर का होता है ये तार? ये सर जी देखा से 5 मीटर की केबल है इसकी, गाड़ी की पिछली टायर 15 फीट है। 15 फीट में आप इसको दोनों साइड से घूम के आपके चारों टायरों में एयर फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर इसका डायल गेज भी मौजूद है। ये कितनी हवा भर रहा है? गेज मौजूद है, ये आपको बताएगा कि कितने पाउंड एयर आपने फिल कर दी है आपके उसके अंदर। अच्छा, ठीक है, टायर के अंदर। जबरदस्त, ठीक हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद हम चलते हैं इसके पास, चलते हैं। ये एयर ब्लोअर है, 600 वोल्ट का एयर ब्लोअर है। ठीक है, ये 2-in-1 एस्पिरेटर ब्लोअर इसे बोलते हैं। आप इसको एज ए ब्लोअर भी यूज कर सकते हैं, एज ए वैक्यूम भी यूज कर सकते हैं। जी जी, और घर में कंप्यूटर वगैरह साफ करने हो, घर की खिड़कियाँ करनी हो, कार सीट्स करनी हो। ठीक हो गया। इसकी प्राइस क्या है मेरे भाई? ये सर जी 3600 का। फिर आ गया इसमें ये 12 वोल्ट डीसी कंप्रेसर, ये इनको ब्रांड का है, इनको को सभी जानते हैं। और इनको की कंपैरेटिवली प्राइस जो है ना ये मार्केट में इसकी प्राइस 5500 समथिंग है, लेकिन मेरे पास इसकी प्राइस 5000 रुपए। 5000 रुपए, ठीक हो गया। अभी ये बड़ी सी चीज है, इनको ब्रांड का कार वॉशर है और इसकी प्राइस मार्केट में जो है ना 19500 समथिंग है, लेकिन मेरे पास इसकी प्राइस जो है ना 18500। जी भाई, तो अभी इसके बारे में आप बता रहे थे। अच्छा, इसमें मैंने कुछ चीजें पूछनी थी। जी जी, जो मार्केट में इसकी प्राइस है वो आपने बताई 9000। 19500 यानी कि 19500 रुपए। आप कितने में देंगे? इस ब्रांड की कीमत है, बेसिकली ये प्राइस इसकी ब्रांड की है। मेरे पास 9000 रुपए का भी प्रेशर वॉशर मौजूद है। इससे आप कमर्शियल वो भी कर सकते हैं, मतलब जिस तरह इस तरह ये कमर्शियल यूज होता है, ये एसी सर्विस वाले लेके जाते हैं मेरे से डिटेलिंग कार डिटेलिंग। बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं ना, जो वो कार वॉशिंग वाले जाते हैं घरों में, एक एक चीज वॉश कर सकते हैं, डेली की 5-5, 6-6, 8-8 कार वॉश करते हैं। तो ये गर्म वगैरह ये तो नहीं होता, ये हीटअप नहीं होता, ये इंडक्शन मोटर के साथ है, इंडक्शन मोटर होती है इसमें। जो घर में अगर आप चेक करेंगे, घर में आप एक वो वाटर पंप यूज करते हैं मुख्तलिफ किस्म का, ये उसमें इसमें वो वाली मोटर है, ये बर्न नहीं होती, ये हीट नहीं होती, और ये जो है आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं घंटा। मतलब आप कमर्शियल भी यूज कर सकते हैं, घर यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे लिए प्राइस क्या होगी हमारे व्यूवर्स के? ये 18500। ठीक हो गया। इसके बाद क्या दिखाएगा मेरा भाई? सर इसके बाद ये मैंने एक टूल जाए, आप इसे देखें तो ये एक किस्म की हैक्स है, लग रही है, मतलब आरी से मैं अगर सिंपल वर्ड में बोलूं ये आरी है, लेकिन ये जो है ना वुड वर्क में इस्तेमाल होती है
और ये सब्सिट्यूट है उस टूल का जिसकी कीमत तकरीबन 19,000 या 18,000 है, ठीक है। और ये मैनुअल में ये चीज यूज होती है, उसे भी उस टूल का नाम है माइटर सा और इस टूल का नाम है माइटर बॉक्स जी। और ये जैसे कि 1800 रुपए की है, 1800 रुपए की है, ठीक है। जो है ये उस टूल का काम करेगी जिसकी कीमत 18 से 19,000 रुपए है और ये 1800 में ये वही पर्पस जो है आपका पूरा करेगी, ठीक हो गया। इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी छोटी छोटी बड़ी कमाल कमाल की टूल है, जिस तरह की ये टूल मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये भी देख रहे हैं ये किस चीज इस्तेमाल होते हैं। ये सर जी पाइप रेंच है, ये से यूनिवर्सल पाइप स्प्रिंग भी लगा है। हाँ, ये यूनिवर्सल पाइप रेंच है। इसे आप कहें कि जो लोग नॉन प्रोफेशनल है और जिनको नहीं पता कि एडजस्ट किस तरह करना है टूल को, तो ये सिंपल सिर्फ इसको पीछे स्वैप करें और छोड़ दे, ये खुद ब खुद उस पाइप की साइज के मुताबिक जाके और इसको एडजस्ट हो जाएगा, इसको टाइट और ढीला कर सकते हैं। टाइट और ढीला कर सकते हैं। इससे बड़ा भी होता है? हाँ जी, इसमें इससे बड़ा भी है, ये बड़ा पड़ा हुआ है, इससे मुख्तलिफ साइजेस सारे साइजेस मौजूद। और जो मेन पाइप वाला रेंच है वो तो ये वाला है, पाइप रेंच ये होता है जिसमें जो ये नट लगा एडजस्टिंग वाला होता है, इसको एडजस्ट करना पड़ता है और बार बार खोलें बार बार बंद करें, लेकिन इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, खुद ब खुद। ये कितने का है सर जी? ये 1200 रुपए का है। और ये वाला? और ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट इसकी प्राइस सेम सी मिल रहा है, 1200। और ये बड़े वाला? ये तकरीबन 3000 रुपया समथिंग की है इसकी, जो है ये 350 mm का यूनिवर्सल रेंच है, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो थौड़ी होती है थौड़ी, इसको क्या कहते हैं? हैमर, हैमर। अच्छा, ये हैमर जो है इसमें आपके पास छोटे से छोटा जो है वो कितने मतलब केजी ग्राम का होता है? 100 ग्राम का है। 100 ग्राम का? और बड़े से बड़े कितने वाला है? 100 ग्राम का है और बड़े से बड़ा मेरे पास 1 kg, 200 kg, ठीक है, 200 ग्राम, 2000 ग्राम, 1000 ग्राम दोनों में मौजूद है। 1000 ग्राम, 2000 ग्राम तक आपके पास है? 1000 ग्राम है, ये 2000 ग्राम है, इसी में ये 5। अच्छा, इसकी जो ये है ये टूटता वगैरह तो नहीं है? नहीं है, ये सर जी नॉन ब्रेकेबल मटेरियल है, बड़ा ही बेहतरीन है, ये हर तरह का काम करेगी और इंशाल्लाह ये ब्रेक नहीं होगी। आपकी लोकल हैमर जिसमें आप लकड़ी का दसा होता है ये, उसे बहुत बेहतरीन, ठीक हो गया। चलो अभी आपकी दूसरी उस साइड पे आते हैं, तो क्या दिखाने वाले हैं? अच्छा जी, अब मैं आपको बड़ी ही स्पेशल चीज दिखाने लगा हूँ, जहाँ जो जिसकी टेबल मेरे ख्याल से हर बंदे को इसकी जो जरूरत होती है और ये हर घर की डिमांड भी है, इवन के हर ट्रैवलर की जो है वो डिमांड है। ये DC 12 वोल्ट जो है ना फ्रिज है, इवन अच्छा। के ये हॉट एंड जो है वार्मर भी है, हॉट एंड कूल, हॉट एंड कूल है। आप इसे जो है कूलर एंड वार्मर के नाम से ही है, आप इसे 12 वोल्ट DC जो है इसके वोल्टेज होते हैं, आप गाड़ी में इसको कैरी कर सकते हैं, गाड़ी के प्लग जो है ना वो चार्जर की जगह प्लग कर सकते हैं, और कौन सी गाड़ी में लगा सकते हैं, इवन एवरी कार कोई भी, आप चाहे आप मेहरान में लगाएं या इसे जो है वो किसी बड़ी गाड़ी में लगाएं। ये बड़ी अच्छी चीज है। इसमें मेरे पास 2 साइज मौजूद है, एक ये 4 लीटर की प्लग, आप खोल के दिखा सकते हैं? हाँ जी, ताकि हमारे व्यूवर देखें, क्योंकि ये जो फ्रिज वगैरह है ये गाड़ियों में काफी मेन चीज है, जरूरत की। अगर आप लॉन्ग रूट पे जाए तो आपको बार बार पानी लेना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, तो बंदा पानी लेता है, तो अपना पानी वगैरह इसमें रखें। आप इसे खाना रख सकते हैं, जबरदस्त खाना गर्म कर सकते हैं, जबरदस्त, और आप इसमें जो है अपनी कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा कर सकते हैं। वाह, इसको कहते हैं वो एक हाथ वाला फ्रिज? या ये बड़ा कॉम्पैक्ट साइज का एक फ्रिज है, जबरदस्त। ये जो आपको जो ना हर जगह से नहीं मिलेगा जी जी, और ये मेरे पास जो है बड़ी ही बेहतरीन प्राइस में मौजूद है। इसके जरा बैक साइड में मुझे दिखाएं, ये साइड देखें, उसके बाद ये देखें। अच्छा, इसके मैं स्पेसिफिकेशन यहाँ पे भी लिखी, वोल्ट वाट यहाँ पे लिखी, ये वोल्ट वाट आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये हॉट जो है ये 35 वाट का है, कूल जो है ये 40 वाट का है, हॉट फिर 45 का है और कूल जो है वो 50 वाट का है, ये 4 लीटर का है, और ये आपने देख लिया, डस जबरदस्त यार, बड़ी प्यारी चीज़ है ये यहाँ इसकी। अच्छा, यहाँ पे ये ऑफ ऑन वगैरह होता है? अच्छा, ये ऑन ऑफ क्या है? ये हॉट होता है उस साइड से, इस साइड से कूल होता है, और इस साइड से क्या होता है? ये सर ये ऑफ का बटन है, ठीक है, ये ऑफ ऑन का है, ये आपकी जो है ना प्लग की जो दो ऑप्शन है, बिजली पे भी लगा सकते हैं, 220 पे भी यूज कर सकते हैं, 12 पे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप बिजली पे भी यूज कर सकते हैं और 12 वोल्ट पे भी यूज कर सकते हैं, इसमें सारी चीजें लिखी हुई है। अच्छा मेरे भाई, ये आप इसकी क्या प्राइस होगी और इसका डिलीवरी का सिस्टम वही ऑल ओवर पाकिस्तान? ऑल ओवर पाकिस्तान में सर जी, वैसे अगर आप इसे ढूंढने जाए तो ये आपको 25-30 हज़ार से कम नहीं मिलेगा। अच्छा, लेकिन मेरे पास जो है ये आपके लिए सिर्फ 10,500 रुपए, 10,500 में, 10,500 में, 10,500 जो 25-30 हज़ार वाली चीजें आप 10,500 में, जबरदस्त, माशाल्लाह, मुझे बहुत पसंद आई आपकी चीज ये वाली खास करके। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं छोटी छोटी, ये बॉस क्या है? बॉस सर जी, ये बोसी की एक किट है, होम अप्लायंस की एक किट है जी जी। इसमें देखें जी, एक टॉर्च लाइट है, प्लायर है, हैमर है, रेंच है, स्क्रू ड्राइवर है, और आपकी नाइफ। यार, आपको घर में ये लाजमी रखना चाहिए। होम अप्लायंस की बड़ी बेहतरीन किट है ये, आपको 3500 रुपीज ओनली 3500 रुपए में मिलेगी, तो बड़ी बेहतरीन चीज है, जबरदस्त। ये आपने क्या रखा हुआ है सर? ये मुख्तलिफ वर्कशॉप में यूज होते हैं, इम्पैक्ट रेंच इसको बोलते हैं, ठीक है, ये सिंगल हैमर के साथ होता है,
स्क्रूज वो गाड़ी के नट बोल्ट वगैरह खोलने के लिए, ये वो चीज़ है। इसी में अगर आप ऊपर आ जाएं तो ये पेंट स्प्रे गन के जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ उसमें ये 450 वाट 800 ml कैन के साथ मौजूद है। ठीक हो गया। उसके ये लाइट जो है, हाँ ये देखें, ये फ्लड लाइट है और 10 वोल्ट में SMD फ्लड लाइट्स है और ये जो है ना बड़ी बेहतरीन है, चार्जेबल है, बैटरी के साथ है, मतलब इसमें आप चार्ज करके अपने काम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैटरी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और बैटरी इंक्लूडेड है और ये 4000 रुपए। कितने घंटे में चार्ज होता है सर? ये 1 घंटे में चार्ज करें और 3 से 4 घंटे इसको यूज करें। ये क्या है? 4-in-1 जंपर। 4-in-1 जंपर, ये चीज भी देखिए, ये 4-in-1 जंपर है। इसमें जो है ना आपका बैटरी चार्जर भी है, सॉरी जंपर भी है, जिसे आप कहते हैं कि आपकी बैटरी, गाड़ी की बैटरी आपकी डेड हो गई है जी, जी। आप गाड़ी को सेल्फ देना चाहते हैं तो ये जंप करके बैटरी इसके अंदर मौजूद है, इटसेल्फ इसके अंदर बैटरी मौजूद है। 4-in-1 जंपर, इस वजह से इसका नाम लिखा गया है कि आप इसकी जो है ना वायरों से आपकी गाड़ी की बैटरी को प्लग करें, कनेक्ट करें और गाड़ी का सेल्फ दे के गाड़ी को स्टार्ट कर लें। जबरदस्त। सेकंड इसमें कंप्रेसर मौजूद है, कंप्रेसर जो मैं आपको DC 12 वोल्ट पहले दिखा चुका हूँ वो इसके अंदर बिल्ट इन है। थर्ड इसके अंदर टॉर्च मौजूद है और फोर्थ इसके अंदर जो है ना USB कनेक्टर है, यानी कि आप इंटरनेट डिवाइस, गाड़ी हवा भी भर सकते हो, अगर डेड हो जाए बैटरी वो भी स्टार्ट कर सकते हो, सारी चीजें काम इससे, इंटरनेट डिवाइस भी लगा सकते हैं। 12 वोल्ट DC आपकी USB चार्जर पोर्ट भी मौजूद है इसके अंदर, जबरदस्त। मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, जबरदस्त। और ये क्या आपने बड़ा सा रखा हुआ है? ये वाला सर ये भी वही इम्पैक्ट रेंच है, मुख्तलिफ ये इसमें थोड़ा सा बड़ा आ जाता है लेकिन ये कॉर्डलेस है, बैटरी के साथ है, ये चार्ज भी होता है, ये चार्ज बिजली के बगैर भी चलता है। हाँ जी, बिजली के बगैर। ये 20 वोल्ट का है और 1/2 inches का इसकी जो ना ड्राइव है, और जो है ना मुख्तलिफ लोग जो जहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी में आपके पास बिजली नहीं है, आप इसे गाड़ी में रख सकते हैं, आपने अपना गाड़ी का व्हील चेंज करना है, आपने चटनी चेंज करनी है, मुख्तलिफ यहाँ पे सॉकेट लगाएं और इसको ऑपरेट करें, आपको जो है ना इजीली ओपरेट। ये कितने का सर? जी ये 12,000 का। ठीक हो गया। अभी भाई ये और चीज़ें मैं बड़ी बड़ी दिखाता हूँ, पहले मैं छोटी छोटी चीज़ें इस तरह वैसे ही अपने व्यूअर्स के दिखा लूँ। ये देखें, इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? टेस्टर। ये टेस्टर जो है ये बड़ा अच्छा सा टेस्टर है, क्योंकि मुझे देखा इधर इस तरह आ गया, कमाल का टेस्टर लग रहा है, वो हमारे वाले होते हैं सादा सुधा। अच्छा ये देखिए, उसके अलावा ये बड़े बड़े इसको ये क्या है? ये वुडवर्क के लिए लोग यूज करते हैं। अच्छा है। इसके देखिए मीटर है, बिजली वाले 12 वोल्ट वाले, फिर इस तरह आगे देखते जाए, जिस बंदे को जो चीज़ समझ आती है भाई को व्हाट्सअप कर दें, किसी चीज़ की ज़रूरत है बंदे को तो वो भाई से मंगवा सकते हैं। ये देख लें, ज़बरदस्त माशाल्लाह, ये देख, वाह ज़बरदस्त। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छा। उसके बाद अब क्या दिखाने वाले हैं? उसके बाद सर मैं आपको कॉर्डलेस ब्रेक्स दिखाऊंगा, कॉर्डलेस स्क्रूड्राइवर्स जो हैं। हाँ इस साइड पे आते हैं। ये चीज़ें घर में काफ़ी यूज होती हैं। कोल्डलेस स्क्रू ड्राइवर्स हैं, आप वुडवर्क में यूज़ कर सकते हैं, आपने कोई घर में जो है वो पर्दे शर्दे लगाने हैं। ये बिजली के मतलब बैटरी के बगैर बैटरी के सपोर्ट पे। हाँ बिल्कुल। और इसकी क्या प्राइस है सर? ये जो है आपने बताना होलसेल रेट में। हाँ सर, ये एक्चुअली जो इसमें जो प्राइस कुछ है जो है वो इस टाइम कन्फर्म सारी याद नहीं होती, लेकिन जो है ना मैं आपको एस्टिमेटली बता देता हूँ, ये तकरीबन 11,000 की है। डबल बैटरी के साथ है, चार्जर भी इसके अंदर मौजूद है। इसी में अगर आप ये आ जाएं तो ये 7,000 रुपीस की है। इसमें ये बिट सेट का ये टूल जो है ये कितने है? बिट सेट का कंप्लीट सेट है, ये 8,000 रुपए का है। ये सारी SS जो है ना वो बिट्स हैं, ये ख़राब ना होने वाली हैं। ठीक हो गया। इसी में तो इस तरह ये एक छोटी टूल किट है, ये तकरीबन 4,500 रुपए की है। फिर इसमें ये ड्रिल के साथ सर ये एक कम्प्लीट टूल किट है, ये तकरीबन 13,000 समथिंग की है। और इसी में अगर आप आगे आ जाए तो मुख्तलिफ ये सारे ग्राइंडर्स और ड्रिल्स हैं वगैरह। ये एक मिनी डाई ग्राइंडर, बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसमें एक शाफ्ट होती है जो आगे बारीक जो है ना वो काम करने के लिए। अच्छा ये इसके ऊपर ये सारे ग्राइंडर्स पड़े हुए हैं, एंगल ग्राइंडर्स हैं। ये बड़े वाले पड़े हुए हैं इसमें सारे? जी हाँ बिल्कुल, साइज मौजूद हैं। ये 2,000 वाट का 9 इंच का मौजूद है, 7 इंच का मौजूद है, 4 इंच, 5 इंच, एवरी, यानी कि हर किस्म की। यार भाई के पास इतना सामान है कि दिखाते दिखाते रात हो जानी है, लेकिन खैर हम थोड़ा बहुत आपको दिखाएंगे, बाकी भाई से आप व्हाट्सएप पे सामान पूछ लीजिएगा। अच्छा उसके बाद आते हैं, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक स्किमर पड़ा हुआ है, ये वुडवर्क में इस्तेमाल होता है, उसके पीछे वो पड़ा हुआ है, सेंटर पड़ा हुआ है, हीट गन पड़ी हुई है, इम्पैक्ट रेंचेस पड़े हुए हैं। ठीक है, इसकी प्राइस बता दें वो हीट गन वाली? हीट गन की सर वो जो परफेक्ट की पड़ी हुई है उसकी 3,000 कीमत है। इसी में आगे आ जाए तो ये इनको ब्रांड की है, इसकी 4400 है। ये वाली ये वाली जो 4400 की है, ऊपर जो वो ब्लू पड़ी हुई है वो
2000 रुपए की है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसे नीचे आ जाए तो ये ऊपर आपने क्या रखा हुआ है? हाँ, ये हुंडई के प्रेशर वाशर है। प्रेशर वाशर है, वो कितने का है? ये हुंडई के प्रेशर वाशर है, इसमें जो है मुख्तलिफ है, 12000 रुपए का भी है, 13000 रुपए का भी है। इसमें आप थोड़ा सा इस साइड पे आ जाए तो वो प्रेशर वाशर की ये एक रेंज ये भी मौजूद है मेरे पास। ये बड़े वाले, ये इनको का है, ये होटे का है, ये हुंडई का है, तीनों ब्रांड की प्राइस भी बता दें। हाँ जी, हुंडई में जो है वो एक 105 bar वाला है वो 14000 का है, और 135 वाला वो 16500 रुपए का है। इसी तरह होटेक में दो मॉडल है, एक 70 bar है, दूसरा जो है वो 120 bar है। वो 120 bar वाला कितने का? 120 bar वाला जो है वो 12000 रुपए का है, और 70 bar वाला जो है वो 10500 रुपए का। जबरदस्त। अच्छा, अभी आते हैं आपके टूल्स के हवाले, जो आपके पास ये टूल पड़े हुए हैं इसके बारे में समझाएं। हैंड टूल्स में भी ये जो ना एक शेल्फ थोड़ी सी दी हुई है ओपन टूल्स, इसमें जो है ना ये हर किस्म की जो है ना आपको स्पैनर्स मिलेंगी, कीस मिलेंगी, ठीक है, और इसी तरह जो है ये आप एक एक भी ले सकते हो। हाँ, सिंगल यूनिट भी ले सकते हैं, इसमें आपको पूरे सेट भी मिल जाएंगे। इसी तरह रेन सूट भी मौजूद है, और गार्डनिंग पूरा सूट भी आपके पास मौजूद है, मुकम्मल रेन सूट है, ठीक हो गया। इसी तरह ऊपर जो गार्डनिंग टूल्स लगे हुए हैं, ठीक है, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है कि मैं सारा कुछ लगा सकूं, लेकिन एवरी आइटम, लेकिन ऊपर बड़ी बड़ी दो तीन गोदामे हैं इनके, बिल्कुल दो तीन फ्लोर हैं, और इसी तरह दो तीन फ्लोर हैं तो यहाँ पे पूरा नहीं आएगा। अच्छा, ये किस चीज़ का किट पड़ा हुआ है? हाँ जी, ये टूल बॉक्स ही है, ये एक बॉक्स खोल के दिखा दे मेरे भाई, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले ये बॉक्स है किस चीज़ का। ये टूल बॉक्स है, बहुत ही प्यारा बना हुआ है, स्टील एंड फाइबर का मिक्स मटेरियल है, इसमें सेंट्रल में स्टील है और साइडों पे यहाँ पे आप इसमें सामान रख सकते हैं, किसी चीज भी आप रख सकते हैं, तो टूल बॉक्स में आप सारा सामान रख लें ताकि आपको तकलीफ ना हो, आपका प्लास कहाँ पे पड़ा हो, पेचकस कहाँ पे पड़ी हो, और बंदा फिर सामान ढूंढते रह जाए। ये तो आज हम भी एक लेकर मेरे पास सारी जो है साइजेस अवेलेबल है, ठीक है, आपको नजर आएगा कि ये सारी टूल बॉक्सेस लगे हुए हैं। अच्छा, इनके इससे बड़ा भी है नीचे वाला, फिर इससे छोटा है, ये छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सारे मौजूद हैं। जबरदस्त। और ये तो वो क्या वुड वर्क में यूज होते हैं, इसे प्लानर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ये भी प्लानर है। ये क्या चीज है? ये इलेक्ट्रिक राउटर है, इसको इसे क्या काम करता है? जो वुड वर्क में ये जो ना तरखान वगैरह वो यूज करते हैं। कितने का है ये? 9000 समथिंग। और इसके नीचे ये कट ऑफ मशीन है, ठीक है, ये आपके जो है वो स्टील। अच्छा, आपकी कोई चीज़ ख़राब हो जाए, मतलब इसमें कोई फ़र्क हो तो हमारे फिर आप उससे क्या करोगे? मेरे पास अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो मैं अपने क्लाइंट को किसी बाइक किसी के पास नहीं भेजता, हमने अपने पास ही एक बंदा बिठाया हुआ मैकेनिक है जो ऑल ओवर सारे काम करता है, और हर तरह के जो है ना वो मैकेनिकल जो चाहे वो टूल्स का है या जनरेटर्स का है सारे काम करेगा। आपके पास जनरेटर भी होते हैं? जनरेटर जो है वो दिखाना मैं आपको भूल गया, ये आपके सामने है हुंडई में मेरे पास। ये कितने केवी का है? ये 3 KV का हुंडई का जनरेटर है, 3000 वोल्टेज का, 3000 वोल्टेज का है, 3500 इसका मॉडल है, ठीक है, ठीक है। मार्केट प्राइस इसकी जो है 95000 है, लेकिन मेरे पास ये आपको 90000 का मिल जाएगा, 90000 का। और मोस्टली इसकी जो है ना अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं होती, स्टॉक खत्म हुआ होता है, लेकिन मेरे पास ये मौजूद होता है। और ये बताइए, एसी वगैरह चला लेगा? स्प्लिट वगैरह एक टन का ये स्प्लिट एसी चलाएगा, और इन्वर्टर एसी एक टन का चला देगा, और एक साल की इसकी वारंटी होती है, एक साल की इसकी वारंटी होती है। ये भी आप डिलीवर करवा देंगे पूरे पाकिस्तान में? बिल्कुल, ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी डिमांड हो पहुँचा देंगे। जबरदस्त। तो भाई आपके पास बहुत और सारी चीजें हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट के भी आपके पास आएंगे। आपके पास सेकंड हैंड चीजें भी आती है? वो भी होती है, सेकंड हैंड सब चीजें आती है। कोई आपकी शॉप विजिट करना चाहे, सेकंड हैंड चीजें होती है, लेकिन हम लोग उससे ज्यादा प्रेफर नहीं करते क्योंकि सेकंड हैंड जो है वो इतना ज्यादा चलती नहीं है, लेकिन मेरे पास नए टूल्स में बड़ी कम्पेटेबल प्राइस में होती है, ठीक है। और ये बड़ी मशीन जो है ये कोई लेना चाहे कोई अपने काम वगैरह के लिए, हवा वाली कंप्रेसर है, ये बड़ा कंप्रेसर है, ये 200 लीटर का कंप्रेसर है, ये 200 लीटर का, ये 200 लीटर का है, इसमें मेरे पास 24 लीटर से 200 लीटर तक अवेलेबल हो, ठीक हो गया। ये कितने का मिल रहा है सर? ये 1,60,000 इसकी कीमत है, मुझसे आपको 155 का मिल जाएगा, 155 का मिल जाएगा, और 1,60,000 भाई मुनासिब कर रहे हैं, ठीक हो गया भाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आपके पास फिर आएंगे, तो इसी बात पे हमारे चैनल को लाइक और फॉलो सब करें, और हमारे फेसबुक को भी लाइक और फॉलो करें। हमें दी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें भाई, आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।